ये है मैसी फर्ग्यूसन कंपनी का बोस, यानी 80-55 50 एचपी रेंज के अंदर ये ट्रैक्टर आता है। आज की इस वीडियो में हम इसे ट्रैक्टर के यूनिक सेलिंग पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, यानी अनोखे फीचर्स के बारे में बात करेंगे जो इसे ट्रैक्टर को 50 एचपी रेंज में अनोखा बनाती है। कीमत की जानकारी भी इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो किसान साथियों, ये जो ट्रैक्टर है 50 हॉर्स पावर कैटेगरी के अंदर आता है और इसे ट्रैक्टर में बहुत सारे अनोखे फीचर्स यहाँ पे कंपनी ऑफर करती है। अगर इसे ट्रैक्टर को आप ट्रोली वगैरह के कार्य में या फिर एग्रीकल्चर मोड में इम्प्लीमेंट्स के साथ में चलाने का प्लान कर रहे हैं तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा ऐसे फीचर्स मिल जाते हैं जो इस ट्रैक्टर को अनोखा यहाँ पे बनाते हैं। सबसे पहले डिज़ाइन ट्रैक्टर का आप चेक कर सकते हैं, फुली एरोडायनेमिक शेप के साथ में इसका बोनट आपको देखने को मिल जाता है और इसके बोनट को एक बटन की सहायता से आप ऊपर की तरफ खोल सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें गैस स्टड साइड में आपको देखने को मिल जाती है। इनकी मदद से जो है इजीली इसके बोनट को ऊपर की तरफ यहाँ पे खोल सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं। सर्विस वगैरह करने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा फीचर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। ओवरऑल जो सामने की तरफ इसे ट्रैक्टर का जो ग्रिल दिया गया है वो काफ़ी बड़े साइज में आपको मिल जाता है, जो ट्रैक्टर के मेन इंजन को यहाँ पे ठंडा रखने का कार्य करता है, क्योंकि जो एयर सर्कुलेशन है काफ़ी लंबे समय तक बना रहे उसके लिए काफ़ी बड़ी जाली यहाँ पे प्रोवाइड करवाई गई है। साथ ही में इसे ट्रैक्टर के अंदर आपको एक अनोखा फीचर देखने को मिलेगा, प्रोजेक्टर हेडलैम्प का, जो कि 50 एचपी रेंज में किसी भी कंपनी के ट्रैक्टर में नहीं आता है। इसी ट्रैक्टर में आपको जो है प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने को मिल जाता है, जो कि हैलोजन बल्ब के साथ में यहाँ पे आते हैं। रात के समय बहुत ही ज़्यादा अच्छी रोशनी इसे ट्रैक्टर के आपको देखने को मिलेगी। साथ ही में LED लाइट्स का भी यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, जो कि ट्रैक्टर को सुंदर यहाँ पे बना देता है और रात के समय बहुत ही यूनिक यहाँ पे ट्रैक्टर लगता है। उसके साथ साथ में किसान साथियों, ये जो ट्रैक्टर है ट्रोली वगैरह के बारे में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी आपके लिए रहने वाला है, क्योंकि इसमें आपको यहाँ पे सामने की तरफ काफ़ी हैवी ड्यूटी बम्पर प्रोवाइड करवाया गया है, जो कि मेटल बॉडी के साथ में ही आता है, जिससे ट्रैक्टर आगे से स्टेबिलिटी बहुत ही एडवांस लेवल की आपको देखने को मिलेगी। बिल्कुल स्टेबल होकर ट्रैक्टर ट्रोली के साथ में चलेगा, आगे से उठने की जो शिकायत इसमें नहीं रहने वाली है, जो कि बहुत ही अच्छा फीचर यहाँ पे दिया गया है। उसके अलावा साथ ही में अगर आप लोडर वगैरह में भी ट्रैक्टर को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, इसका जो मेन फ्रंट एक्सल है वो आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल फिक्स यहाँ पे दिया गया है, उसमें किसी भी प्रकार के जो एडजस्टमेंट है प्रोवाइड नहीं करवाई गई है, सिंपल ईज में आपको देखने को मिल जाता है। उसके अलावा किसान साथियों, आगामी जो नया सीजन आने वाला है इसमें रीपर वगैरह के अंदर ट्रैक्टर बहुत ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, तो इसे ट्रैक्टर में आपको ड्राई टाइप का डुअल एलिमेंट के साथ में आने वाला है एयर क्लीनर मिल जाता है, जो कि क्लॉगिंग सेंसर के साथ में आता है, आसानी से क्लीन करके इसको उपयोग आप कर सकते हैं। उसके साथ साथ में इसे ट्रैक्टर का जो रेडिएटर है उसकी अगर बात करी जाए तो वो आप चेक कर सकते हैं, एल्यूमिनियम की जाली के साथ में आता है और इसमें आपको डुअल प्रोटेक्शन देने के लिए यहाँ पे डुअल जाली प्रोवाइड करवाई गई है। उसकी असेंबली आप चेक कर सकते हैं, काफी अच्छे तरीके से यहाँ पे कवर इसमें किया गया है। उसके साथ साथ में किसान साथियों, इसे ट्रैक्टर की मेन स्टीयरिंग व्हील को मक्खन बनाने के लिए इसे ट्रैक्टर में डुअल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। डुअल एक्टिंग होने से जो रोड के अंदर स्टेबिलिटी है, फिर खेत में भी आप मोड़े के ऊपर ट्रैक्टर को घुमा रहे हैं तो बहुत ही एडवांस लेवल की स्टेबिलिटी इसमें आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि इसमें आपको डुअल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग यहाँ पे मिल जाता है। इसकी जो ऑयल की सप्लाई है बिल्कुल सेपरेट कंटेनर के द्वारा करी जाती है, वो आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जो कंटेनर साइड में इसकी असेंबली डिजाइन करी गई है, सेपरेट कंटेनर होने से मेन जो लुब्रिकेशन है ऑयल की, जो चिकनाई है, वो काफ़ी लंबे समय तक बनी रहती है, जो पावर स्टीयरिंग के अंदर किसी भी प्रकार की जो समस्या नहीं आती है। ट्रैक्टर की इंजन असेंबली आप चेक कर सकते हैं, फुली कवर के साथ में दोनों ही साइड से दी गई है, इसमें बच्चे वगैरह हाथ ना डालें, फिर किसी भी प्रकार की जो दुर्घटना है ना हो उसके लिए अलग से यहाँ पे गार्ड भी जो है प्रोवाइड करवाए गए हैं। उसके बाद बात आती है पावर फिगर की, तो इसमें आपको टैफे कंपनी का 3 सिलेंडर की पावर के साथ में आने वाला 3298 सीसी का इंजन मिल जाता है, जो कि प्रोड्यूस करता है 200 Nm का टॉर्क और जो मैक्सिमम पावर है 50 एचपी रेंज की आपको देखने को मिल जाती है। फ्यूल पंप इसमें आपको माइक्रोबोश कंपनी का L9 FIP पंप यहाँ पे दिया गया है, जो कि लो मेंटेनेंस रहता है, इसमें लंबे समय तक किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आती है। और ये जो ट्रैक्टर है कूलेंट कूल विद रिजर्वायर के साथ में यहाँ पे कूलिंग सिस्टम के साथ में आता है, कूलेंट के साथ में वाटर का भी यहाँ पे इस्तेमाल आप कर सकते हैं, वो भी अलग अलग डिफरेंस के हिसाब से जो आप अगर कूलिंग में इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो आसानी से इस्तेमाल जो है कर सकते हैं। उसके अलावा किसान साथियों, 50 एचपी के ट्रैक्टर के अंदर आपको कंपनी जो है यूनिक फीचर प्रोवाइड करवाती है, फ्लीट गार्ड कंपनी का यहाँ पे ICV वाल्व प्रोवाइड करवाती है, इसकी सहायता से जो कंबशन चैम्बर के अंदर जो हीट पैदा होती है उसको कम करने का ये कार्य करती है। ट्रैक्टर लंबे समय तक जो है हीट नहीं होता है, आप ट्रॉली के काम में चला रहे हैं या फिर आप खेत में ट्रैक्टर को चला रहे हैं तो जो हीट होने की जो समस्या इसे ट्रैक्टर के अंदर आपको नहीं देखने को मिलती है, एक एडिशनल फीचर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। साथ ही में जो डीजल टैंक यहाँ पे दिया गया है वो आप चेक कर सकते हैं, काफ़ी बड़ी असेंबली के साथ में देखने को मिल जाता है,
टोटल जो कैपेसिटी है 70 लीटर की कैपेसिटी के साथ में इसका जो डीजल टैंक आपको देखने को मिल जाता है। उसके अलावा इस ट्रैक्टर के कंफर्ट लेवल की बात करी जाए तो इसमें सबसे मेन आता है इसका जो मेन प्लेटफॉर्म है उसकी अगर बात करी जाए तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं बिल्कुल फ्लैट प्लेटफॉर्म इस ट्रैक्टर का आपको देखने को मिल जाता है। जो फुटस्टेप है काफी ऊंचाई के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। किसान भाई अगर आप ट्रॉली वगैरह में ट्रैक्टर को चला रहे हैं या फिर खेत के अंदर इंप्लीमेंट के साथ में चला रहे हैं तो कंफर्ट लेवल इस ट्रैक्टर के अंदर आपको बहुत ही एडवांस लेवल का देखने को मिल जाता है। साइड में आप चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है हीट गार्ड सिस्टम देखने को मिल जाता है जो कि कनेक्टेड वाल्व के साथ में यहाँ पे आता है फ्री। इसमें यहाँ पे बिल्कुल भी स्पेस आपको देखने को मिलेगा कि जो इंजन की हीट है वो किसान के पांव तक ना पहुँचे, उसमें जो किसान को जो समस्या आती है उसका सामना ना करना पड़े उसके लिए अलग से यहाँ पे हीट गार्ड भी प्रोवाइड करवाए गए हैं। साथ ही में प्लेटफॉर्म पे चढ़ने के लिए यहाँ पे सिंगल फुटस्टेप आपको देखने को मिल जाता है और इसके अंदर जो सीट यहाँ पे डिज़ाइन करी गई है फुली अर्गोनॉमिक शेप के साथ में इसकी जो सीट है आपको देखने को मिल जाती है। किसान भाई का कंफर्ट लेवल बढ़ाने के लिए इसमें आपको यहाँ पे सस्पेंडेड पेडल का एक एडिशनल फीचर देखने को मिल जाता है जो कि 50 एचपी रेंज में काफ़ी अच्छा फीचर यहाँ पे दिया गया है जो कि इस ट्रैक्टर को यहाँ पे अनोखा बनाता है। मेन जो इस ट्रैक्टर का जो डैशबोर्ड एरिया है वो आप चेक कर सकते हैं, काफ़ी बड़े साइज में आपको देखने को मिल जाता है। मीटर कंसोल काफ़ी बड़े साइज में यहाँ पे दिया गया है। लाइट से जुड़े कंट्रोल कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाता है जो कि अलग से एलिमेंट इस्तेमाल किया गया है, दिखने में काफ़ी स्टाइलिश यहाँ पे लगता है। और इस ट्रैक्टर के अंदर जो स्टीयरिंग व्हील है वो आप चेक कर सकते हैं, काफ़ी स्पोर्टी डिजाइन के साथ में ही आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद ट्रांसमिशन की अगर बात करी जाए तो इस ट्रैक्टर के अंदर आपको जो है 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स की स्पीड के साथ में आपको जो ट्रांसमिशन देखने को मिल जाता है यानी लो और हाई की जो रेंज है वही इसमें आपको देखने को मिलेगी। फुली कॉन्सोनमस ट्रांसमिशन के साथ में जो ट्रैक्टर आता है भागते हुए ट्रैक्टर में आसानी से गियर इसके आप बदल पाएंगे। उसके अलावा किसान साथियों अगर आप ट्रैक्टर को पीटीओ में अगर इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, पीटीओ के ऑपरेशंस में इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो उसमें भी आपको मैग्ना पीटीओ का फीचर मिल जाता है। लाइव पीटीओ की स्पीड इसमें आप चला सकते हैं। उसके साथ साथ में रिवर्स पीटीओ भी इस ट्रैक्टर के अंदर एक एडिशनल फीचर यहाँ पे कंपनी ने प्रोवाइड करवाया है। वहीं पीटीओ शाफ्ट से नहीं जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आप चेक कर सकते हैं, जो ग्राउंड से लेके ऊपर की तरफ पीटीओ की शाफ्ट तक जो मेन स्पेस है यहाँ पे 610 mm का यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। इसके अंदर जो कंपनी यहाँ पे काफ़ी अच्छा यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस प्रोवाइड करवाती है जो कि इंप्लीमेंट को जो पीटीओ से चलने वाले जो इंप्लीमेंट इसको आसानी से आप जो ऑपरेट करके चला सकते हैं। रियर एक्सल इसे ट्रैक्टर के अंदर वो आप चेक कर सकते हैं। इन बोर्ड डायरेक्शन सिस्टम आपको देखने को मिल जाता है जो कि क्राउन पिनियन की गिरारी के साथ में ही आता है। सिंपल इसमें आपको देखने को मिलेगा लेकिन जो इसकी खिंचाई है वो बेहतरीन आपको देखने को मिलेगी। ट्रॉली वगैरह की गाड़ी के लिए बहुत ही अच्छा यहाँ पे एक्सल इस्तेमाल किया गया है। ब्रेक से ट्रैक्टर के अंदर आपको रियल ओआईबी ब्रेक ने तेल में डूबे हैं ब्रेक्स मिल जाते हैं जो कि लंबे समय तक गर्म नहीं होते और ब्रेक्स में किसी भी प्रकार की समस्या यहाँ पे नहीं आती है। उसके साथ साथ में किसान साथियों जो हाइड्रोलिक कैपेसिटी है इस ट्रैक्टर के अंदर आपको मैग्ना हाइड्रोलिक के साथ में जो ट्रैक्टर आता है फुली ऑटोमेटिक डेफ्ट एंड ड्राफ्ट कंट्रोल का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है और इसकी जो हाइड्रोलिक की लिंक है वो आप चेक कर सकते हैं। दोनों ही जो आर्म्स है उसकी में एडजस्टमेंट यहाँ पे दी गई है, आसानी से एडजस्ट करके जो आप चला सकते हैं और जो टोपलिंग की सेंसिंग पॉइंट है वो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। उसके अलावा जो मेन कैपेसिटी है 1800 किलो की क्षमता के साथ में इसकी जो हाइड्रोलिक है वो आपको देखने को मिल जाती है। और इस ट्रैक्टर के डायमेंशंस की अगर बात करी जाए तो सबसे पहले लंबाई आप चेक करेंगे तो 3460 mm की लंबाई के साथ में ट्रैक्टर आता है। इस एचपी रेंज में काफ़ी अच्छी लंबाई इस ट्रैक्टर की आपको देखने को मिल जाती है। वहीं इस ट्रैक्टर के अंदर जो कुल वजन दिया गया है 2240 किलो के वजन के साथ में जो ट्रैक्टर आता है, वहीं इसे ट्रैक्टर के अंदर जो ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पे दिया गया है 610 mm के साथ में ही देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है कि एक खेत से दूसरे खेत में अगर आप ट्रैक्टर को ले जाना चाह रहे हैं तो बीच में काफ़ी अच्छा स्पेस यहाँ पे इसे ट्रैक्टर के अंदर देखने को मिल जाता है। वहीं किसान साथियों टायर साइज की अगर बात करी जाए तो रियर टायर साइज आप चेक कर सकते हैं, 16x28 की साइज में आपको देखने को मिलेगा। वहीं फेंडर और टायर के बीच में जो स्पेस है 16x28 का टायर काफ़ी बड़े साइज में दिया गया है, उसके बीच में भी यहाँ पे जो स्पेस दिया गया है वो काफ़ी अच्छे स्पेस के साथ में आपको देखने को मिल जाता है। मड वगैरह में काफ़ी यूजफुल ये फीचर आपके लिए रहने वाला है। वही जो फ्रंट टायर साइज है उसकी बात करी जाए तो 7x16 के साइज में इसका जो फ्रंट टायर साइज है वो आपको देखने को मिल जाता है। अब इस ट्रैक्टर के मेन इंजन साउंड प्लस टर्निंग रेडियस की अगर बात करी जाए तो सबसे पहले ट्रैक्टर को हम यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। अगर इसे ट्रैक्टर को अब हरियाणा के रोहतक जिले में खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो यहाँ पे चौधरी ट्रैक्टर्स के नाम पे डीलरशिप आपको देखने को मिल जाती है, जिसे संपर्क करके यहाँ पे इसे ट्रैक्टर को आसानी से आप खरीद सकते हैं। काफ़ी अच्छी सर्विस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। इस ट्रैक्टर के अंदर कंपनी जो है काफ़ी अनोखे फीचर यहाँ पे प्रोवाइड करवाती है जो इसको अलग यहाँ पे बनाती है, सारा इसे वीडियो मैंने डिस्कस कर लिए हैं। वहीं किसान साथियों अगर आप भी ऐसे किसी ट्रैक्टर के यूएसपी पॉइंट्स के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाह रहे हैं जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल और अनोखे
तरीके से जो है रहने वाले हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। साथ ही में अगर आप इस ट्रैक्टर की कीमत की जानकारी लेना चाह रहे हैं तो tractorjunction.com वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। साथ ही में ट्रैक्टर जंक्शन का मेन एप्लीकेशन भी जो है गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसे ट्रैक्टर की मेन परफॉर्मेंस वीडियो देखनी है तो आई बटन के अंदर उसका लिंक आपको मिल जाएगा। साथ ही में रिव्यू वीडियो देखनी है तो वो भी इसकी जो लिंक आपको वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो किसान साथियों, मिलते हैं ऐसी जानकारी भरी रोचक वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।